Hey, good morning students. So today we are going to read about a great lady, Ahilya Bai, a great Indian queen, right? This is the name of our lesson 13. So let's start. India is a land of many great men and women. Their work and great deeds are remembered even after hundreds of years. One such great figure was Ahilya Bai Holkar. सो हम सभी जानते हैं दैट इंडिया में बहुत सारे ग्रेट मैन एंड वेमन हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे महापुरुष और बहुत सारी महान हस्तियाँ हुई हैं. सो हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अहिल्या बाई होलकर. ओके, एंड दोज ग्रेट पर्सन्स डिड समथिंग लाइक दैट कि उनको आज भी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स निकल चुके हैं आफ्टर देयर डेथ, लेकिन आज भी हम उन्हें याद करते हैं. ओके, She was born in 1725 in a small village named Chondi in Bid district, Maharashtra. Her father, Manakji Shinde, was the Patel of the village, and her mother, Sushila, was a religious woman. At that time, girls did not go to school, but Ahilya Bai's father taught her to read and write at home. So, अहिल्या बाई होलकर का जन्म जो है वो 1725 में एक छोटा सा विलेज जिसका नाम है छोंदी, और ये बीड डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में. इनके फादर का नेम था मानिकजी शिंदे, जो कि अपने विलेज के पटेल इज समथिंग लाइक द जमींदार, राइट. सो राजा के रिप्रेजेंटेटिव होते थे ये, ठीक है, और अपने विलेज के हेड होते रहे. एंड उनकी मदर का नेम था सुशीला, और वो एक बहुत ही रिलीजियस मीन्स धार्मिक महिला थी. एंड उस टाइम पर, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट 18th century, राइट. सो तब महिलाओं के लिए स्कूल जाना कोई कंपलसरी नहीं था, जाती ही नहीं थी बहुत सारी गर्ल्स एंड लेडीज़ जो हैं स्कूल. लेकिन अहिल्या बाई के फादर जो थे, उन्होंने अहिल्या बाई को घर पर ही लिखना और पढ़ना सिखाया था. अहिल्या बाईज एंट्रेंस ऑन द स्टेज ऑफ हिस्ट्री वॉज समथिंग ऑफ एन एक्सीडेंट. According to the legend, Malhar Rao Holkar, the king of Malwa territory, stopped at Chondi on his way to Pune and saw the 8-year-old Ahilya Bai at the temple service in the village. Recognizing her piety and her character, he brought the girl to the Holkar territory as a bride of his son, Khande Rao. तो अहिल्या बाई होलकर की एंट्रेंस, उनका जो हिस्ट्री में के स्टेज पर, इट मींस उनका जो एग्जिस्टेंस जिसकी वजह से हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, आज भी हम उन्हें याद करते हैं, वो एक एक्सीडेंट की तरह था वो एंट्रेंस. और जो लीजेंड्स मींस जो स्टोरी हमारी बताती है, उसके अकॉर्डिंग मल्हार राव होलकर, जो कि मालवा टेरिटरी के किंग थे, वो एक बार उनके विलेज में रुके जब वो पुणे जा रहे थे, और उन्होंने अहिल्या बाई होलकर को देखा. एंड सी वॉज देन अहिल्या बाई ओनली, राइट. सो अहिल्या बाई जो है वो टेम्पल सर्विस यानी मंदिर में जो है सेवाएं दे रही थी अपनी. तो उन्हें लगा कि ये सी इज़ अ गर्ल ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, राइट. तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे खांडे राव से उनकी शादी करेंगे, एंड देन उसके बाद वो उन्हें होलकर टेरिटरी जो कि मालवा में है लेकर आ गए एज अ ब्राइड, राइट. अहिल्या बाई हैड मैनी क्वालिटीज एज अ सॉरी वन पैराग्राफ इज लेफ्ट. अनफॉर्चुनेटली अहिल्या बाईज हस्बैंड वॉज किल्ड इन अ बैटल इन 1754 व्हेन सी वॉज ओनली 29. बट मल्हार राव डिड नॉट लूज हार्ट आफ्टर हिज सन्स डेथ. ही वॉज श्योर दैट हिज डॉटर इन लॉ वॉज नो लेस देन अ सन. So he trained her in both administrative and military affairs, but he too died after 12 years. So Ahilya Bai ki jo journey of life hai, it was full of difficulties. To jab wo sirf 29 years old thi, tab unke husband ki death ho gayi kisi battle mein, yuddh mein, and it was the year 1754. Okay, so Malhar Rao jo hai, उन्होंने होप्स नहीं खोई, क्योंकि उन वो जानते थे कि
मेरी डॉटर इन लॉ जो है वो किसी बेटे से कम नहीं है, मेरी बहू ही जो है वो बेटे के बराबर है। सो उन्होंने उन्हें ट्रेन किया किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में और मिलिट्री अफेयर्स में, यानी राजकाज के काम में और सेना के अफेयर्स में भी। बट उनकी डेथ भी जो है वो 12 ईयर्स के बाद हो गई। अहिल्या बाई हैड मैनी क्वालिटीज एज अ रूलर एंड एज अ ह्यूमन बींग। शी हर्ड एवरी कंप्लेंट इन पर्सन। शी केयर्ड फॉर द पुअर ऑफ हर स्टेट। एट द सेम टाइम अहिल्या बाई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। शी डिड नॉट अलाउ एनी वन टू मिस यूज द मनी ऑफ द स्टेट। इफ हर ऑफिसर्स ट्राई टू डिसीव और हरास द पीपल, शी वुड पनिश द ऑफिसर्स इमिडिएटली। सो अहिल्या बाई जो थी एज अ रूलर और एज अ ह्यूमन बींग, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी और वो हर एक पर्सन की कंप्लेन जो है वो इन पर्सन यानी वो खुद ही पर्सनली सुना करती थी। एंड अपने स्टेट के पुअर लोगों के लिए वो बहुत ही कंसर्न थी और साथ ही साथ अहिल्या बाई बहुत स्ट्रिक्ट भी थी, क्योंकि वो अपनी मनी को मीन्स उनके स्टेट का जो मनी है उसके उसको मिसयूज़ करना किसी को भी अलाउ नहीं करती थी। ओके और कभी अगर उनको पता चलता था कि उनके किसी ऑफिसर ने डिसीव किया है, यानी कोई धोखा दे रहा है या लोगों को हैरास कर रहा है, ठीक है, सो उसको इमिडिएटली पनिशमेंट दी जाती थी। अहिल्या बाई वॉज अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन। हर ओन सन डाइड विद इन वन ईयर ऑफ मल्हार राव्स डेथ। एंड आई हैव टोल्ड यू कि उनकी लाइफ बहुत ही फुल ऑफ स्ट्रगल रही है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज रही है उसमें। सो जब मल्हार राव होलकर मीन्स उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई, उसके एक साल बाद ही उनके खुद के बेटे की भी डेथ हो गई थी। एट दैट टाइम सी हैड अ मिनिस्टर कॉल्ड गंगाधर। ही सॉ दैट अहिल्या बाई हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, हर फादर इन लॉ एंड नाउ इवन हर सन। ही बिकेम ग्रीडी एंड टोल्ड हर दैट अ वूमन कुड नॉट रूल स्टेट प्रॉपरली एंड देयरफॉर she should adopt a son who would be the ruler of Malwa, right? So Ahilya Bai jo hai bahut hi strong minded lady thi, hum jaan hi chuke hain. To unke jab son ki death hui, so us time unke ek mantri the jinka naam tha Gangadhar, right? To jab unhone dekha ki Ahilya Bai ke husband की डेथ हो चुकी है, उसके बाद उनके फादर इन लॉ भी चले गए हैं और अब उनका बेटा भी उनके साथ नहीं है, सो उसके अंदर ग्रेड जाग गया, लालच जाग गया। और उसने क्या बताया अहिल्या बाई को कि कोई लेडी जो है वो अच्छे से रूल नहीं कर सकती स्टेट को, तो एक काम करिए, आप किसी को अडॉप्ट कर लीजिए, किसी को गोद ले लीजिए, ठीक है, और वो आगे जा कर के मालवा का किंग बनेगा। His real plan was to set Ahilya Bai aside and enjoy all the money and power himself. But Ahilya Bai was more than a match for him. She told him clearly, "I don't require your advice. I can look after the state very well." Okay, so अब क्या था कि Ahilya Bai जो है उनको वो actually अलग करना चाहता था and वो चाहता था कि जब किसी को वो अडॉप्ट कर लेंगी, प्रॉबेबली वो उनका खुद का सन था, ठीक है, सो उसके बाद अहिल्या बाई को जो है राज्य से हटा दिया जाएगा और मनी एंड पावर को वो खुद एंजॉय करेगा। बट अहिल्या बाई वॉज अ स्ट्रॉन्ग वूमेन, सो उन्होंने क्लियरली उसको बोला कि मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने स्टेट अपने राज्य की देखभाल खुद ही कर सकती हूँ, उसे कैसे चलाना है मैं खुद देख लूँगी। गंगाधर वॉज डिसअपॉइंटेड। He then went to Raghoba Dada and advised him to go to war against Ahilya Bai. So अब उसे जो है काफ़ी disappointment हाथ में लगी, निराशा हाथ में लगी, क्योंकि वो तो खुद ही किंग बनना चाहता था, right? So वो Raghoba Dada के पास गया जो कि great warrior थे, ठीक है, और उनसे कहा कि आप Ahilya Bai के against war, ठीक है, उनके राज्य पर आक्रमण कर दीजिए, ओके, okay? And वो क्या था, उसका गुस्सा था बिकॉज उसके जो प्लान्स थे वो फेल हो गए थे। राघोबा दादा हैड वॉन मैनी बैटल्स एंड हैंस नीडेड मनी। ही मार्च्ड अपॉन इंदौर अगेंस्ट अहिल्या बाई। व्हेन अहिल्या बाई हर्ड द न्यूज़ सी डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट हिम एंड डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन।
तो राघोबा दादा क्योंकि एक वॉरियर थे, सो वो कई सारी वॉर्स, अभी अभी उन्होंने कई सारे बैटल्स जो है वो जीते थे, लड़े थे, राइट। तो उनके पास पैसों की काफ़ी कमी हो गई थी, तो उन्होंने भी उसकी एडवाइस को जो है वो माना। और जब अहिल्याबाई को ये पता चला कि राघोबा दादा जो है वो इंदौर की तरफ बढ़ रहे हैं, सो उन्होंने डिटरमाइन किया, निश्चय किया कि वो भी फाइट करेंगी और इन्हें सबक सिखाएंगी, लेसन सिखाएंगी, क्या, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था कि वो उनके अगेंस्ट वॉर करते, लेकिन तब भी वो कर रहे थे। सी सेंट अ मैसेज टू राघोबा दादा दैट एज सुन एज ही डेयर टू क्रॉस द रिवर सिप्रा ही वुड हैव टू फाइट हर आर्मी। नाउ राघोबा दादा वॉज इन अ फिक्स, ही हैड नॉट इमेजिन दैट अहिल्या वुड बी रेडी टू फाइट हिम। ओके, सो उन्होंने एक मैसेज भेजा राघोबा दादा को कि क्या, जैसे ही आप शिप्रा रिवर को क्रॉस करेंगे हम तैयार हैं आपसे लड़ने के लिए। तो राघोबा दादा जो हैं वो शॉक्ड रह गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सी इज़ अ लेडी, दैट्स वाई शी विल नॉट बी रेडी टू फाइट। तो उन्हें थोड़ा सरप्राइज हुआ कि क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो कभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगी। ओके, ही हैड थॉट दैट शी वुड सरेंडर विदाउट फाइटिंग, उन्होंने सोचा था कि बिना लड़े ही वो सरेंडर कर देंगी, आत्मसमर्पण कर देंगी। ही वॉज अफ्रेड दैट इफ ही लॉस्ट अ बैटल अगेंस्ट अ वुमेन हु वुड ही वुड लूज हिज नेम एंड फेम एज अ वॉरियर, ऑन द अदर हैंड नो बडी वुड प्रेज हिम इवन इफ ही वॉन द बैटल। इन द एंड ही गेव अप द थॉट ऑफ फाइटिंग एंड बेंट बैक। अब उनके पास एक डर था कि अगर सपोज करिए हमारा युद्ध होता है अहिल्या बाई के साथ में और मैं हार गया, तो मेरा तो सारा नेम और फेम, जो इतना बड़ा वॉरियर हूँ मैं, वो पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, राइट। और अगर मैं जीत भी गया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, किस लिए, कि एक अकेली लेडी के ऊपर आपने बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के आपने आक्रमण कर दिया, राइट। तो कोई भी उनकी प्रेज़ तो नहीं करने वाला था इस चीज़ को लेकर के। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थॉट ऑफ फाइटिंग छोड़ा और वो वापस चले गए। अहिल्या बाई होलकर वॉज अ रूलर ऑफ इंदौर एंड द एडजॉइनिंग रीजन फ्रॉम 1765 टू 1795। सी रूल फ्रॉम हर पैलेस लोकेटेड इन अ फोर्ट कॉल्ड अहिल्या बाई फोर्ट एट माहेश्वर, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, राइट। सो वो कहाँ की रूलर थी, इंदौर उसके आसपास के एरियाज़ की, और उनका जो टाइम था इट वॉज 1767 टू 1795। ओके, और वो अपने एक पैलेस से, महल से रूल करती थी, जो कि एक फोर्ट, फोर्ट मीन्स किले के अंदर था, जिसका नाम है अहिल्या बाई फोर्ट, और वो माहेश्वर में है, नर्मदा रिवर के किनारे। ड्यूरिंग हर रेन इंदौर ग्रू टू बी पावरफुल सिटी ऑफ मालवा रीजन। शी ऑल्सो बिल्ट एंड रेनोवेटेड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स इंक्लूडिंग द विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी एंड द विष्णुपद टेम्पल ऑफ गया। सी बिल्ट मैनी रूट्स एंड इवन रिपेयर द रोड फ्रॉम वाराणसी टू कोलकाता। सी बिल्ट डजन्स ऑफ टेम्पल्स, घाट्स, वेल्स, टैंक्स, रेस्ट हाउसेज अक्रॉस द एरिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम हिमालय टू द पिलग्रमेज सेंटर्स इन साउथ इंडिया। ओके, सो उन्होंने क्या किया है, अपने जब उनका रूल चल रहा था इंदौर पर, उसके बीच इंदौर ने जो है वो काफ़ी, इंदौर काफ़ी पावरफुल सिटी हो गया था मालवा रीजन का। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को रेनोवेट भी कराया और बनवाया भी, ठीक है। और फेमस टेम्पल्स जो उन्होंने रेनोवेट करवाए वो थे विष्णु पर टेम्पल ऑफ गया एंड विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी। इसके अलावा उन्होंने कई सारे रोड्स को बनवाया भी और रिपेयर भी कराया, ओके, स्पेशली फ्रॉम वाराणसी टू कोलकाता। इसके अलावा कई सारे टेम्पल, घाट, बेल, टैंक्स और रेस्ट हाउसेस भी बनवाए उन्होंने हिमालय से लेकर के साउथ इंडिया के पिलग्रमेज यानी तीर्थ स्थानों तक। अहिल्या बाईज कैपिटल एट माहेश्वर वॉज द सीन ऑफ लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। सो उनका जो माहेश्वर, उनका कैपिटल था,
वहाँ पर आपको लिटरेरी ग्रोथ, म्यूज़िक, आर्ट, इंडस्ट्रियल, सब कुछ जो है हर एक फील्ड बहुत ही डेवलप्ड फॉर्म में देखने को मिलती है। सी ऑल्सो पेट्रोनाइज द संस्कृत स्कॉलर खुशाली राम, क्राफ्ट्समैन, स्कल्प्टर्स एंड आर्टिस्ट रिसीव सैलरीज एंड ऑनर्स एट हर कैपिटल एंड सी एवन एस्टेब्लिश्ड द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन माहेश्वर। द साड़ीज ऑफ माहेश्वर आर स्टिल फेमस फॉर देयर टेक्सचर एंड क्वालिटी। ओके, सो उनके पैट्रोनेज में संस्कृत स्कॉलर खुशाली राम थे, इसके अलावा क्राफ्ट्समैन, स्कल्पचर्स, ठीक है, मूर्तिकार और जो भी क्राफ्ट वर्कर्स थे वो, और बहुत से आर्टिस्ट को सैलरी भी देती थी और ऑनर भी करती थी, उनका सम्मान भी करती थी। ओके, और माहेश्वर का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो उन्हीं के टाइम पर ग्रो अप हुआ। और इसके अलावा माहेश्वर की साड़ीज जो है वो आज भी फेमस है अपने टेक्सचर और क्वालिटी के लिए। इंडिया हैज़ हैड मैनी फीमेल रूलर्स, वॉरियर वुमेन एंड पोएट क्वींस, बट अहिल्याबाई होलकर कमांड मोर अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर अकम्प्लिसमेंट ड्यूरिंग हर 30-year लॉन्ग रिन इन मालवा देन एनी अदर क्वीन। सो इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सारी वुमेन हुई हैं जो कि रूलर थी, जो कि वॉरियर थी, पोएट थी और क्वींस भी थी, लेकिन अहिल्या बाई का प्लेस जो है वो स्पेशल है क्योंकि उन्होंने एक तो 30 years तक रूल किया, राइट, इसके अलावा सी वॉज द क्वीन जिसके पास, जिसका रिस्पेक्ट भी बहुत होता था, जिससे उनकी प्रजा अफेक्शन भी बहुत रखती थी, ठीक है, तो उनका स्पेशल प्लेस है सारे के सारे जितने भी विमेन हमारी कंट्री में ग्रेट हुई हैं। इसके अलावा जो भी उन्होंने अकम्प्लिस किया अपने रूल के ड्यूरिंग, मींस अपने जो उनका मालवा रीजन पे रूल था उसके बीच उन्होंने इतना ग्रोथ किया उस एरिया का कि आज भी उनको बहुत ही सम्मान के साथ याद किया जाता है। सी वॉज ट्रूली अ मैग्निफिशेंट वुमेन, एन एबल रूलर एंड अ ग्रेट क्वीन। Therefore, she is remembered with love and respect in all parts of our country. Okay, so वो जो है क्या है, एक बहुत ही able ruler थी, बहुत ही great queen थी, and she was so impressive, यानी उनका उनकी personality जो थी वो बहुत ही impressive थी, and that's why आज भी उन्हें लव एंड रिस्पेक्ट के साथ ही साथ याद किया जाता है, ना सिर्फ मालवा रीजन में बल्कि पूरे भारत में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अहिल्या बाई, द ग्रेट इंडियन क्वीन एंड द ग्रेट इंडियन रूलर, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।